हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशबू और आज हम एक बहुत ही बढ़िया सा मेकअप लुक करेंगे। ये है ब्लैक स्मोकी आई लुक, तो आप सबको पता ही है, बट इसके साथ साथ हम करेंगे लेवेंडर और ब्लैक स्मोकी आई लुक। तो आपको पता ही है कि मेरी साड़ी भी थोड़ी पिंकी सी लेवेंडर शेड में आ रही है और आजकल लेवेंडर जो कलर है ना उसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। आजकल कपड़े भी बहुत इस कलर के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये वाला मैंने लुक इस थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया है, तो ये लेवेंडर और ब्लैक स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा और ये हम करवा चौथ पे भी कर सकते हैं और भी हमारे कोई वेडिंग फंक्शन कहीं पे भी इस वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि अगर जिसको मेकअप करना नहीं भी आता है ना तो वो भी इस तरह से अपने घर पे ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही इसमें मुश्किल है, लेकिन ये आपको देखने से मुश्किल लग रहा है, बट अगर आप इसको ट्राई करोगे ना जैसे मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में उस तरह से आप इसको ट्राई करोगे ना तो ये आपको इजीली ये वाला लुक आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी आउटफिट हो या फिर अगर आउटफिट ना भी हो तो भी ये वाला लुक किसी भी आउटफिट के ऊपर चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी करेंगे स्किन केयर, शायद मैंने कर लिया, मैंने ये वाला डाला नहीं पार्ट। अब हम अपना मेकअप डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे कलर बार का प्राइमर लिया है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है और आपके पोर्स को एकदम ब्लर आउट कर देता है, तो आपका जो बेस है ना वो बहुत स्मूथ बनता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन और ये वाला शेड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे शेड बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच करता है और इसमें है ना ये जो हम शेड मैच करते हुए शेड लेते हैं ना तो वो बिल्कुल नेचुरल लुक देता है और मतलब ज़्यादा वो अच्छा मतलब ज़्यादा हैवी और वैसा नहीं लगता, बिल्कुल वाइट वाइट सा फेस नहीं लगता। ठीक है, तो ये वाला शेड है गोल्डन बेज और आप देख सकते हैं मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर रहा है और कवरेज भी इसकी बहुत अच्छी है। जिसकी ऑयली स्किन है ना वो ये वाला फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। तो बस हम इसको सेकंड लेयरिंग करेंगे क्योंकि हम अच्छा सा हमारा आई लुक करना है, तो इसके लिए मैं इसको दो बार अपनी आई लिड पे इसको अप्लाई कर लूँगी, तो एज ए कंसीलर ये हमारा हो जाएगा। अगर आपके पास कंसीलर हो ना तो आप इसको आप कंसीलर अप्लाई कर लेना। कंसीलर आपको हमेशा थोड़ा सा एक शेड आपको लाइट रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट से। तो ये मेरे पास लैक्मे का कॉम्पैक्ट है और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल मतलब स्मूथ फिनिश देता है, एकदम वेलवेट फिनिश दे देता, मुझे तो इससे अपना फेस बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम करेंगे अपनी पहले आईब्रोज़ को फिल, तो उसके लिए मैं पहले इसको कॉम कर लूँगी ताकि जो हमारा एक्सेस पाउडर वगैरह इसके अंदर चला जाता है ना वो सारा निकल जाए। इसके बाद ही मैं लूँगी यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पैलेट और इसमें दो शेड है, ऑब्वियसली दो ही शेड होंगे, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। तो लाइट ब्राउन से मैं इसको आगे की तरफ इसको इस तरह से फिल कर लूँगी और जो डार्क ब्राउन है ना वो पीछे की तरफ या इसको अंदर से फिल कर लेंगे आईब्रोज़ को। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बट हल्का हल्का मैं इसको फिल कर लूँगी। ओके, तो उसके बाद हम लेंगे ये अपने आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हमें लाइट शेड से अपने पूरे आई लिड को इसको अप्लाई करना है, तो लाइट शेड मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, ये वाला जो लेवेंडर कलर है ना मैं आपको बता रही हूँ, इसके हम करेंगे यहाँ पे जैसे कट क्रीज करते हैं ना वैसे लाइन ड्रॉ नहीं करते, इस तरह से मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसको कर लूँगी हम ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, आई लिड पे नहीं करना क्योंकि आई लिड पे तो हम अपना वैसे भी ब्लैक कलर लगाएंगे, तो इसको ऊपर की तरफ लाइट लाइट सा मतलब आपको ब्लेंड करना है और जो लाइन हमने कट क्रीज भी वो थोड़ी डार्क रखनी है ताकि वो इसको हम कट क्रीज करें ना तो वो लगे कि हाँ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक शेडो बन जाता है ना वैसा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इतना एक्सप्लेन सही से अगर नहीं कर पा रही तो बिल्कुल मैं आपको वीडियो में बिल्कुल सही से दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रही हूँ,
एक स्मॉल फ्लैट ब्रश ले लेंगे, उससे करेंगे हम अपनी कट क्रीज। इस तरह से आपको कट क्रीज करनी है फाउंडेशन लेके, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे अपना ब्लैक कलर। तो पहले तो फिंगर से ही अप्लाई करना है, क्योंकि फिंगर से ही आपको ब्लैक कलर एकदम डार्क मिलेगा, ब्रश से इतना डार्क नहीं मिलेगा। और इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा लेके इसको उसके ऊपर सेट करना है, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा ब्लैक कलर, तक जब तक हमारा अच्छा सा ब्लैक कलर हमें ना मिल जाए। तो ये इस तरह से मेरा ब्लैक कलर हो गया है। तो इसके बाद हम जो लेवेंडर और जो हमारा ये ब्लैक कलर है ना, जो लाइन बन दिख रही है ना, वो लाइन नहीं दिखानी, उसको हम करना है ब्लेंड। ये मेरे पास थोड़ा सा मोटा ही ब्रश है, क्योंकि ये ब्लेंडिंग जो ब्रश होता है ना, वो एक स्मॉल भी होता है, उससे थोड़ा सा अच्छा होता है। मेरे पास अभी फ़िलहाल था नहीं, तो मैं इसी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये ब्लेंड किया। अब मैंने छोटा ब्रश ले लिया है, फाइनली बड़ा ब्रश लेके पता नहीं क्या कर रही थी, तो ये मैंने छोटा ब्रश ले लिया, तो इससे मैं कर लूँगी इसको अच्छे से ब्लेंड। आपको थोड़ा ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी। इसके बाद आपको वापस डार्क कलर, ब्लैक कलर भी लेना है। ऐसा नहीं कि आपने बस एक बार ब्लेंड करने करना है, क्योंकि वो जब हम ब्लेंड करते हैं ना, तो वापस थोड़ा सा वो कलर रिमूव हो जाता है। तो ये इस तरह से मैंने वापस ब्लैक कलर लगा लिया था। तो इस तरह से हमारा ये लुक हो गया है। अभी हमें आई लुक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो इसको और करेंगे तब हमारा बेटर लगेगा। और मैंने काजल लगा लिया, बाय द वे मैंने शुगर की शुगर पॉप काजल लगा ली है। उसके बाद मैं तो हल्का सा ब्लैक कलर लेके नीचे की तरफ भी हमें इसको ब्लैक कलर ब्लेंड करना है, ताकि वही हमारा स्मोकी आई लुक लगता है। ऊपर की तरफ भी आपको नहीं लगाना, आपको नीचे की लैशेस के नीचे भी आपको इस तरह से थोड़ा सा, मैंने लेवेंडर कलर ले लिया, पीछे की तरफ मैंने ब्लैक कलर लेके इस तरह से आपको अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और वापस मैंने हल्का सा लेवेंडर कलर लेके वापस मैं इसको ऊपर की तरफ इसको वापस इसको अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। तो ये है मेबलिन का मस्कारा, और अच्छा मस्कारा है ये भी। और बस इसको अप्लाई करने के बाद हम करेंगे अपने फेस की कॉन्टोरिंग। तो ये मेरे पास कॉन्टोर पैलेट नहीं था, मैं आई शेडो पैलेट से इस फेस की कॉन्टोरिंग करती हूँ, क्योंकि ताकि हमारा फेस है ना थोड़ा सा सिजल लगे, पतला लगे, इस तरह से कॉन्टोरिंग करते हैं। और बस इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हमारा ब्लश लगा लेंगे। तो ये 9 to 5 का ब्लश है, तो इसको हल्का हल्का ही मैं करूँगी, ज़्यादा मैं ब्लश नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वो आई लुक अच्छा नहीं दिखेगा वो ज़्यादा हम ब्लश आउट करेंगे। तो बस हल्का हल्का ही मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद हम लगा लेंगे यहाँ पे हाइलाइटर। तो ये हमारा मेकअप का मेन पार्ट है। उसके बाद आपको लिपस्टिक है ना, थोड़ी सी लाइट ही रखनी है। तो ये मैंने डार्क ले ली, पता नहीं मैं इसको बाद में लाइट लूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या करती हूँ मैं। इसके बाद मैंने ये पर्पल की लिपस्टिक है, शायद मैंने डार्क ही रखी है। तो ये वाली पर्पल की लिपस्टिक, और इसका लिप शेड बहुत अच्छा है, इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये वाला शेड कौन सा है, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और इस तरह से मेरा आई लुक, ये आई लुक मेकअप लुक सारा कंप्लीट है। और इस तरह से मेरी बहुत प्लेन अच्छी से साड़ी है, और लेवेंडर थोड़ी सी पिंकी सी कलर में। तो इस तरह से हमारा लुक कम्प्लीट है, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही ईजी है, बस आपको हल्का हल्का सा इसको ब्लेंडेबल करना पड़ता है, बट बहुत ही ईजी वाला लुक है। तो इस तरह से जो भी आप चाहो अपनी पसंद की हेयर स्टाइल बना सकते हो, ये सभी हेयर स्टाइल में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम अपने बाल को स्ट्रेट करते तो वो भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।